ऑब्जर्व द फॉलोइंग, आप लोगों को इन एट की प्लेस वैल्यू को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। प्लेस वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, ये एट है, इसके नीचे एरो लगाएंगे और इसको ऐसे तिरछा कर देंगे और इस नंबर को ऐसे ही कॉपी कर देंगे, ठीक है। अगर हमें इस नंबर की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो इसके नीचे भी ऐसे एरो लगाएंगे, ये नंबर यहाँ कॉपी करेंगे और इस नंबर के आगे जितने नंबर होंगे, इसके आगे कितने नंबर हैं, एक, उतने ही ज़ीरो यहाँ लगा देंगे, एक ज़ीरो हम यहाँ लगा देंगे। ऐसे ही इस वाले नंबर की अगर प्लेस वैल्यू निकालनी है तो इस नंबर के नीचे भी ऐसे एरो लगाएंगे, इस नंबर को कॉपी करेंगे और इस नंबर के आगे जितने भी अंक होंगे उतने ज़ीरो लगा देंगे, 1 2, इसके आगे दो अंक हैं, ठीक है, इस नंबर के आगे दो अंक हैं तो यहाँ भी दो ज़ीरो लग गए हैं। इसी प्रकार से देखिए इसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये एरो लगाएंगे, ठीक है, और फिर ये नंबर कॉपी करेंगे और इस नंबर के आगे जितने नंबर होंगे 1 2 3, यानी कि 3 0 लगा देंगे, ठीक है। तो इसकी प्लेस वैल्यू ये आ गई, इसकी ये और इसकी ये, ठीक है। अब लास्ट जो नंबर है इसकी प्लेस वैल्यू कितनी आएगी, बिना निकाले बताएंगे कैसे, 8 लिखेंगे, फिर 1 2 3 4, 4 0 लगा देंगे, देखिए 8 लिखा हुआ है और 1 2 3 4, 4 0s लगे हुए हैं। यहाँ देखिए इस 8 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है, वंस, यानी कि ये इकाई के स्थान पर है। ये जो 8 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 10, यानी कि ये क्या है, दहाई के स्थान पर है, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, 800, यानी कि ये किसके स्थान पर है, ये 100 यानी कि सैकड़े के स्थान पर है। ये वाला देखिए ये क्या है, थाउजेंड्स यानी कि हजारवें स्थान पर है, ठीक है, और ये वाला क्या है, 10,000 यानी कि 10,000वें स्थान पर है। तो ये क्या है, इनकी प्लेस वैल्यू है, ठीक है। ये कहाँ है, वंस पर, ये टेंस पर, ये हंड्रेड्स पर, ये थाउजेंड्स पर, ये 10,000 पर। ये देखिए ये क्या है, वंस, ये टेंस, फिर 100, फिर थाउजेंड, फिर 10,000। अब बढ़ते हैं आगे, आज हम एक्सरसाइज 2 करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स, ठीक है। ए पार्ट देखिए, इसमें आपको क्या करना है, ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं इसमें प्लेस वैल्यू पर जो भी नंबर आ रहा है, ठीक है, उसको यहाँ पर भरना है। जैसे यहाँ लिखा है 10,000, इसको काउंट करेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। 10,000 पे जो नंबर आ रहा है उसको यहाँ फिल कर देंगे, तो यहाँ कितना फिल किया जाएगा, 7, ठीक है। फिर यहाँ पर थाउजेंड वाला जो नंबर आएगा उसको यहाँ पर फिल कर देंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। थाउजेंड पे कितना आ रहा है, 5, तो यहाँ कितना फिल अप कर देंगे, 5। यहाँ कौन सा भरा जाएगा, हंड्रेड्स वाला, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। हंड्रेड्स पे कितना नंबर आ रहा है, 8, यहाँ फिल कर देंगे 8। यहाँ कौन सा नंबर भरा जाएगा, टेंस वाला, वंस, टेंस, मीन्स यहाँ पर 2 भर दिया जाएगा। यहाँ पर इस वाले ब्लॉक्स में कौन सा भरा जाएगा, वंस, वंस पे कितना है, 9, यहाँ भर देंगे 9, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 फिल करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। 10,000 पे कितना आया, 2। थाउजेंड पे देखेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, कितना नंबर है, 8। हंड्रेड्स पे देखेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, कितना नंबर है, 9। टेंस पे देखेंगे, वंस, टेंस, टेंस पे कितना है, 0। वंस पे देखेंगे, 3। आपने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैक्स, लैक्स पे कितना है, 8।
यहाँ फिलअप करेंगे 8, 10,000 पे देखेंगे, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 कितना है 7। इसी प्रकार थाउजेंड पे देखेंगे, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड कितना नंबर है 7। अब हंड्रेड्स पे देखेंगे, वंस टेंस हंड्रेड्स 800, टेंस वंस टेंस 1। वंस पे देखेंगे कितना नंबर है 5। आपने क्वेश्चन सी भी कंप्लीट कर लिया है। डी, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लैक्स, लैक्स के प्लेस पे कितना आएगा 4। टेन थाउजेंड के प्लेस पे देखेंगे, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 9 10,000 ओके, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, थाउजेंड के प्लेस पे 2। वंस टेंस हंड्रेड, हंड्रेड के प्लेस पे 5। वंस टेंस, टेंस के प्लेस पे 8। वंस, वंस के प्लेस पे 6। आपने क्वेश्चन डी कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर ई, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000, 10,000 के प्लेस पे कितना है 6। थाउजेंड, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड्स, थाउजेंड्स के प्लेस पे कितना है 2। वंस टेंस हंड्रेड, हंड्रेड के प्लेस पे कितना है 8। वंस टेंस, टेंस के प्लेस पे कितना है 9। वंस, वंस के प्लेस पर 3। आपने क्वेश्चन नंबर ई कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लैक्स, लैक्स के प्लेस पर 8। लैक्स के प्लेस पे कितना आया 8। वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000, 10,000 के प्लेस पे कितना आ रहा है 5, यहाँ लिखेंगे 5। अब थाउजेंड, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड कितने थाउजेंड 9। अब हंड्रेड्स, वंस टेंस हंड्रेड्स इट मीन्स 2, 200s। अब टेंस, वंस टेंस 7 टेंस, वंस 6 वंस। आपने एफ पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। कैसे लिखना है, जैसे हम लोग प्लेस वैल्यू निकालते थे, सबसे पहले 7 लिखेंगे और इसके आगे जितने भी नंबर होंगे उनको लिख देंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं। ये हो जाएगा 7 और इसके आगे कितने ज़ीरो हैं, कितने ज़ीरो लगाए जाएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 ओके। अब प्लस का साइन लगाएंगे। अब अगला नंबर लिखेंगे जो कि क्या है 8 है, और 8 के आगे कितने नंबर हैं 1 2 3, तो इसके आगे 3 ज़ीरो लगाएंगे, फिर प्लस का साइन। इसके बाद क्या लिखेंगे 9, 9 के आगे कितने नंबर हैं 1 2, तो 2 ज़ीरो लगा देंगे। ठीक है, अब अगला नंबर क्या है 6, तो यहाँ लिखेंगे 6, 6 के आगे कितने नंबर हैं 1, तो 1 ज़ीरो लगाएंगे, उसके बाद लास्ट नंबर यानी कि 4 लिख देंगे। ये आपकी हो गई एक्सपेंडेड फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे 2, और इसके आगे कितने ज़ीरो लगाएंगे 1 2 3 4 5, लिख दीजिए 2, 1 2 3 4 5, फिर प्लस लगाएंगे। 2 के बाद क्या लिखेंगे 7,
और 7 के आगे कितने जीरो लगेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर प्लस का साइन। अब लिखेंगे 5, 5 के आगे कितने जीरो लगाएंगे, 1 2 3, 1 2 3, फिर प्लस का साइन। 5 के बाद क्या लिखेंगे, 3, 3 के आगे कितने जीरो लगाएंगे, 1 2, ठीक है, प्लस का साइन, फिर 1, 1 के आगे कितने जीरो लगाएंगे, 1, एंड लास्ट नंबर क्या है, 2, इसको लिख देंगे यहाँ 2। ये आपने इस नंबर की भी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख ली। सी पार्ट, सी पार्ट में देखिए, सबसे पहले लिखेंगे 3, 3 के आगे कितने जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, लिखेंगे 6, 6 के आगे कितने जीरो लगाएंगे, 1 2 3, फिर प्लस का साइन, फिर लिखेंगे 2, 2 के आगे कितने जीरो लगाएंगे, 1 2, फिर प्लस का साइन, फिर 1, 1 के आगे कितने जीरो लगाएंगे, 1, फिर प्लस का साइन, फिर लास्ट नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर डी, सबसे पहले लिखेंगे 6, और 6 के आगे कितने जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर प्लस का साइन, फिर लिखेंगे 8, 8 के आगे कितने जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर प्लस का साइन, फिर लिखेंगे 7, 7 के आगे कितने जीरो लगाएंगे, 1 2 3, 1 2 3, फिर प्लस का साइन, फिर लिखेंगे 1, 1 के आगे कितने जीरो लगाएंगे, 1 2, 1 2, प्लस लिखेंगे 3, 3 के आगे कितने जीरो लगाएंगे, 1, फिर प्लस का साइन, फिर 5। ये आपकी इस नंबर की भी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। अब ई पार्ट, ई पार्ट में सबसे पहले लिखेंगे 6, 6 के आगे कितने जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4, लगा दीजिए, 1 2 3 4, फिर प्लस का साइन, फिर 5, फिर 1 2 3, 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 3, फिर 7 लिखेंगे, 7 के आगे कितने नंबर हैं, 2, तो 2 जीरो लगाएंगे, 1 2, फिर क्या लिखेंगे, 8, 8 के आगे कितने नंबर हैं, एक ही नंबर है, तो 1 जीरो लगाएंगे, और इसके बाद में लास्ट नंबर क्या है हमारा, 0। अब एफ पार्ट, सबसे पहले क्या लिखा है, 6, और इसके आगे कितने नंबर लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो हम लगा देंगे, 1 2 3 4 5, फिर प्लस का साइन, फिर 7, और 7 के आगे कितने जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, प्लस का साइन, फिर लिखेंगे 8, 8 लिखा कितने जीरो, 1 2 3, 3 जीरो लगा दीजिए, फिर प्लस का साइन, फिर 5, 5 के आगे कितने डिजिट हैं, 2, 1 2, तो यहाँ पर 2 जीरो लग जाएंगे, फिर लिखेंगे 9, 9 के आगे कितने नंबर हैं, 1, यानी कि 1 जीरो यहाँ लगेगा, फिर प्लस का साइन, और लास्ट में 2, ठीक है। आपने इस नंबर की भी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख ली है। अब इसको लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 7, 7 के आगे कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, फिर प्लस का साइन, फिर 5, 5 के आगे कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, प्लस का साइन, 3, 3 के आगे कितने जीरो होंगे, 1 2 3, 1 2 3, प्लस का साइन, फिर लिखेंगे 1, 1 के आगे कितने जीरो लगाएंगे, जितने नंबर होंगे, 1 2,
ये वन, ये टू, इसके बाद क्या लिखेंगे, टू। टू के आगे कितने नंबर हैं, वन, तो वन ज़ीरो लगा देंगे और फिर प्लस का साइन और लास्ट नंबर यानी कि नाइन, इसके आगे कोई भी जीरो नहीं है। तो आपने क्वेश्चन टू में एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना सीख लिया है, सारे नंबरों की एक्सपेंडेड फॉर्म आपने लिख ली है। अब आप क्वेश्चन नंबर थ्री करेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री है, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि अब आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है और आपको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि ये फॉर्म लिखनी है, तो क्या करेंगे। इसका भी सबसे आसान तरीका है, वो कौन सा है कि सबसे बड़ा नंबर इसमें काउंट कर लीजिए, इसमें कितने डिजिट हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव डिजिट हैं, तो हम यहाँ पे फाइव डॉट्स बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव डॉट्स बना लिए हमने। अब क्या करेंगे, सबसे बड़े वाले नंबर को यहाँ लिख देंगे। देखिए सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर क्या है, यही है, कितना है, 90,000, तो इसमें क्या है, ये जो नाइन है इसको हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, ठीक है, फिफ्थ प्लेस पे, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। पांचवें नंबर पे जो नंबर आ रहा है उसको यहाँ लिखेंगे, फिर क्रम से जो जिस सीरियल पे आ रहा है उसको उसी सीरियल पे लिखते जाएंगे, जैसे वन टू थ्री फोर, तो ये फोर्थ नंबर पे आ रहा है, तो वन टू थ्री फोर, इसको फोर वाले पॉइंट के नीचे लिख देंगे। ये वन टू थ्री, ये थर्ड वाले प्लेस पे आ रहा है तो इसको यहाँ लिख देंगे, ये वन टू, ये सेकेंड प्लेस पे आ रहा है तो इसको यहाँ, और ये टू फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है, ठीक है। ये तो था पहला तरीका। दूसरा क्या है, दूसरा है वंस टेंस हंड्रेड। देखिए ये वंस है आपका, ठीक है, यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, ठीक है। तो वंस पे देखिए कौन है, टू, टेंस पे कौन है, टू, हंड्रेड्स पे कौन है, थ्री, थाउजेंड्स पे कौन है, सिक्स, और टेन थाउजेंड्स पे कौन है, नाइन, ठीक है। इसी तरीके से बी पार्ट देखिए, इसमें सबसे बड़े नंबर में कितने डिजिट हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, तो यहाँ भी हम फाइव डिजिट्स यानी फाइव डॉट बनाएंगे। इस वाले नंबर को सबसे पहले लिख लीजिए, ठीक है। ये जो फाइव है ये कौन से नंबर पे आ रहा है, वन टू, सेकेंड नंबर पे आ रहा है तो इसको यहाँ लिख दीजिए, फिर थर्ड नंबर पे क्या है, ज़ीरो, तो इसको यहाँ लिख देंगे, फिर वन टू थ्री फोर, फोर्थ नंबर पे कौन सा है, टू, तो इसको यहाँ लिख दीजिए, फिर वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव, फाइव कहाँ आ रहा है, पाँचवें नंबर यानी फिफ्थ पॉइंट के नीचे आएगा, ठीक है। ऐसे ही इसको देखिए, फर्स्ट मेथड ये था, सेकेंड मेथड ये था, और थर्ड मेथड में क्या है, देखिए हम पॉइंट्स बनाएंगे, ठीक है, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, ठीक है। इस पर आप भूले नहीं, इसके लिए यहाँ लिख लीजिए वंस, इसको लिख लीजिए टेंस, इसको लिख लीजिए हंड्रेड्स, इसको लिख लीजिए थाउजेंड्स, और इसको लिख लीजिए टेन थाउजेंड्स, ठीक है। तो यहाँ देखिए वंस, कितने वंस हैं, एट, तो इसको यहाँ लिख देंगे, टेंस देखिए कितने टेंस हैं, सिक्स, तो इसको यहाँ लिख दीजिए, हंड्रेड्स कितने हंड्रेड्स हैं, फोर, तो इसको यहाँ लिख दीजिए, थाउजेंड्स कितने थाउजेंड्स हैं, एट, तो इसको यहाँ लिख दीजिए, फिर टेन थाउजेंड्स कितने हैं, थ्री, इसको यहाँ लिख दीजिए। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया इस एक्सपेंडेड फॉर्म का, ठीक है। ऐसे ही ये है, ये तो सबसे ज़्यादा ईजी है, ठीक है। सबसे पहले ऐसे ही डॉट बनाएंगे, ठीक है, बनाइए वंस, फिर टेंस, फिर हंड्रेड, फिर थाउजेंड, फिर टेन थाउजेंड, फिर लैख। इसमें देखिए वंस कितने हैं, ज़ीरो, फिर टेंस कितने हैं, सिक्स, फिर हंड्रेड कितने हैं, वन, फिर थाउजेंड कितने हैं, सेवन, फिर टेन थाउजेंड कितने हैं, फोर,
लैग कितने हैं, 5। ठीक है, तो ये आपका नंबर हो गया। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया है। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। हमारे यहाँ दो प्रकार के नंबर सिस्टम यूज होते हैं। पहला है इंडियन यानी कि भारतीय नंबर सिस्टम, और दूसरा है यूरोपियन यानी कि यूरोपियन नंबर सिस्टम। तो जो भारतीय नंबर सिस्टम है, भारतीय संख्या पद्धति है, वो क्या होती है, इसमें कैसे पढ़ते हैं किसी भी नंबर को, वंस, टेंस, हंड्रेड, उसके बाद लगाते हैं कॉमा, फिर थाउजेंड, 10,000, और फिर कॉमा, और उसके बाद लैक, फिर 10 लैक, और फिर से कॉमा। यानी कि पहले हम 3 नंबर को सेपरेट करते हैं, उसके बाद दो दो नंबर को सेपरेट करते हैं। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देखिए। जैसे ये नंबर लिखा है कि 5,4,8,6,4,8,7,4,8। अगर इसको इंडियन नंबर सिस्टम में पढ़ना हो या लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर थाउजेंड, 10,000, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर लैक, फिर 10 लैक, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। ठीक है, इस तरीके से हम दो दो नंबर को सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 54,86,48,748। ओके, अब हम बात करते हैं यूरोपियन नंबर सिस्टम की। तो यूरोपियन नंबर सिस्टम में क्या होता है, वंस, टेंस, हंड्रेड, यहाँ तक तो सेम रहता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, फिर थाउजेंड, 10,000, 100,000, इसमें क्या होता है, 3-3 को सेपरेट किया जाता है। अब ये क्या हो गया, आपका थाउजेंड वाला कॉलम हो गया। अब थाउजेंड के बाद क्या आता है, मिलियन आता है। ठीक है, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ओके, ये हो गया आपका मिलियन वाला कॉलम। इसके बाद अगर कोई नंबर लिखा होता, सपोज 746, तो यहाँ क्या हो जाता, 1 बिलियन, फिर 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन। ठीक है, बिलियन के बाद आता है आपका ट्रिलियन। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी लिखा होता, सपोज करिए 896 ये लिखा हुआ है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 1 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन एंड 100 ट्रिलियन। अब इसको पढ़ के बताएंगे कि ये पूरा नंबर क्या लिखा हुआ है, 896,746,548,648,748। ये किस सिस्टम में है, ये यूरोपियन सिस्टम में लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर इंडियन सिस्टम में इसी नंबर को पढ़ेंगे तो ये अरब खरब तक जाएगा। देखिए कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, फिर अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, और ऐसे ही आगे भी संख्या पद्धति होती है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, फिर नील, 10 नील, यानी कि 89 नील और 67 खरब, 46 अरब, 54 करोड़, 46 लाख, 48,000, 748। ठीक है, ये कौन सा सिस्टम था, ये भारतीय सिस्टम था। इससे पहले मैंने आपको यूरोपियन सिस्टम बताया था। अब हमको इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, रीराइट द नंबर बाय पुटिंग कॉमा इन इंडियन सिस्टम। आपको ये जो नंबर लिखे हुए हैं इनमें कॉमा लगाकर इनको इंडियन सिस्टम में लिखना है। ठीक है, तो इंडियन सिस्टम में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पहले हम 3 नंबर को सेपरेट करते हैं, कौन कौन से, वंस, टेंस, हंड्रेड, उसके बाद कॉमा, फिर थाउजेंड, 10,000, फिर कॉमा, फिर लैक, 10 लैक। ये आपने इंडियन सिस्टम में इसको कन्वर्ट कर दिया कॉमा लगाकर। बी पार्ट में देखिए, वंस, टेंस, हंड्रेड, ये कॉमा लगाया, फिर थाउजेंड,
10,000 ये कॉमा लगाया, फिर लैख 10 लैख ये कॉमा लगाया, फिर ये हो गया करोड़। ठीक है, अब यहाँ देखिए कॉमा लगाना है, वंस टेंस हंड्रेड ये कॉमा लगाया, थाउजेंड 10,000 ये कॉमा लगाया और ये हो गया लैख। आपने कॉमा लगा के इसको कौन से सिस्टम में बदल दिया, इंडियन सिस्टम में। फिर देखिए वंस टेंस हंड्रेड ये कॉमा लगाया, थाउजेंड 10,000 ये हो गया 59,386। ठीक है, नेक्स्ट वंस टेंस हंड्रेड ये कॉमा लगाया, फिर थाउजेंड 10,000 ये कॉमा लगाया, लैख 10 लैख ये कॉमा लगाया एंड ये करोड़, 2,36,54,718। ये भी क्या हो गया, इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। फिर से देखिए वंस टेंस हंड्रेड, थाउजेंड 10,000, लैख 10 लैख एंड ये करोड़, वंस टेंस हंड्रेड, थाउजेंड 10,000, लैख 10 लैख, वंस टेंस हंड्रेड, थाउजेंड 10,000, लैख 10 लैख। ये सभी नंबर आपने इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट कर दिए। क्वेश्चन नंबर टू, रीराइट द नंबर्स बाय पुटिंग कॉमास इन यूरोपियन सिस्टम। अब आपको यूरोपियन सिस्टम में इनको कन्वर्ट करना है बाय पुटिंग कॉमास, कॉमा लगाकर। देखिए तो यूरोपियन सिस्टम में हमने आपको बताया था कि तीन तीन का सेपरेशन करते हैं। ठीक है, तीन तीन नंबर, 1 2 3 फिर कॉमा लगाइए, 1 2 3 फिर कॉमा लगाइए, ये यूरोपियन सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। इसको पढ़ेंगे कैसे, वंस टेंस हंड्रेड, 1,000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन, 3,000,000, 365,839। ओके, अब बी पार्ट, इसको भी कन्वर्ट कर दीजिए, 1 2 3 ये कॉमा और ये तो तीन है, ये तो तीन हैं ही। नेक्स्ट देखिए 1 2 3 ये कॉमा लगाइए और ये यूरोपियन सिस्टम में कन्वर्ट हो गया, 1 2 3 ये कॉमा, 1 2 3 ये कॉमा, ये भी यूरोपियन सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। फिर देखिए 1 2 3 ये कॉमा, 1 2 3 ये कॉमा, ये आपने इसको भी यूरोपियन सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। फिर देखिए 1 2 3 कॉमा, 1 2 3 ये कॉमा, ठीक है, ये भी आपने यूरोपियन सिस्टम में इसको कन्वर्ट कर दिया। फिर देखिए 1 2 3 ये कॉमा, 1 2 3 ये कॉमा, ये भी आपने इसको यूरोपियन सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। फिर देखिए 1 2 3 ये कॉमा, 3 नंबर के बाद कॉमा लगाया, फिर 1 2 3 3 के बाद कॉमा लगाया, ये हो गया कन्वर्ट यूरोपियन सिस्टम में। तो आपने इन सभी नंबर को यूरोपियन नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना सीख लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, राइट द न्यूमेरल्स फॉर द फॉलोइंग नंबर्स विद कॉमा इन प्रॉपर प्लेस। क्या करना है आपको, ये जो नंबर दे रखे हैं आपको, ठीक है, इसमें क्या करना है कि कॉमा लगाना है कहाँ पर, प्रॉपर प्लेस पर, यानी कि जहाँ उचित है वहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या लिखा है आपका, 9 लाख, फिर 14,362। ठीक है, तो कितने लाख हैं, 9 लाख, तो हम क्या करेंगे, लाख तक यहाँ पर पॉइंट बना लेंगे। वंस टेंस हंड्रेड, थाउजेंड 10,000, लैख, ठीक है, यहाँ लिख भी लेंगे, ये 1,000 और ये 10,000, ये दोनों क्या हैं, 1,000 हैं और ये क्या है, ये लैक्स है। ठीक है, देखिए तो यहाँ कितने लैक्स हैं, 9, यहाँ लिखेंगे 9, फिर 14,000, थाउजेंड के नीचे क्या लिखेंगे, 14 कैसे लिखा जाता है, ऐसे, ये हो गया 14,000 हो गया। फिर क्या है, 300, ये हो गया 300, फिर क्या है, 62, ये लिख दीजिए 62। ठीक है, पहले आप पॉइंट्स बनाइए तो आपको गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, ये हो गया, काउंट कर लीजिए, वंस टेंस हंड्रेड, थाउजेंड 10,000, लैख 9 लैख, 14,000 एंड 362। ठीक है, इंडियन नंबर सिस्टम में ये नंबर लिखा हुआ है तो आप कॉमा भी इंडियन नंबर सिस्टम के बेस पे लगाएंगे, पहले 3 फिर 2 फिर 2।
ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन नंबर बी आगे देखिए, 14,13,016, तो कहाँ तक हमको पॉइंट बनाने होंगे, लैख तक बनाइए। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैख, 10,00,000, ये हो गया लैख, ये थाउजेंड, ये दोनों थाउजेंड के हैं, फिर ये हो गया आपका हंड्रेड का, ये हो गया आपका टेंस का, और ये हो गया वंस का। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, 14,00,000, तो लैख वाले के नीचे लिख देंगे 14, फिर क्या है 13,000, थाउजेंड के ये दोनों पॉइंट हैं, तो थाउजेंड यहाँ लिख दीजिए 13,000, फिर हंड्रेड, हंड्रेड वाला कोई भी नंबर आपको यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, तो हंड्रेड कितने हो गए, ज़ीरो, फिर क्या लिखा है 16, तो यहाँ लिख दीजिए 16, ठीक है। ये नंबर हो गया आपका वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैख, 10,00,000, इट मीन्स 14,00,000, 13,000 एंड 16, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1,07,080, तो कहाँ तक, लैख तक आप पॉइंट बनाइए। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैख, ठीक है। कितने लैख, 1,00,000, यहाँ लिख दीजिए 1,00,000, फिर कितने थाउजेंड, 7,000, तो ये हो गया 7,000, फिर एंड 80। अब देखिए 100 यहाँ पर इन्होंने नहीं बताया, तो वहाँ कितना हो जाएगा, 0, और लास्ट में कितना 80, इसको ऐसे लिख देते हैं। तो अब यहाँ पर कॉमा भी लगा दीजिए, अब इसको फिर से काउंट कर लीजिए, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 एंड लैख, 1,07,080, यानी कि आपने जो नंबर लिखा है वो सही है। नेक्स्ट 16,05,304, लैख तक आप पॉइंट बनाइए। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैख, ओके, 16,00,000, 10,00,000 तक आपको पॉइंट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए लैक्स के नीचे कितना लिखना है, 16, यहाँ लिख दीजिए 16, फिर थाउजेंड कितने हैं, 5, तो यहाँ लिख देंगे 0, 5, फिर 300, हंड्रेड के नीचे कितना लिखना है, 3, फिर कितना है 4, तो यहाँ लिखेंगे 0 एंड ये 4, ठीक है। अब इसको कॉमा लगाएंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैख, 10,00,000, 16,00,000, 5,304, आपने ठीक लिखा है। नेक्स्ट है 6,05,700, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैख, 6,00,000, 6,00,000, 5,000, 5,000, 700, यहाँ लिखेंगे 700, और ये आपका नंबर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है 3,11,363, इसको कहाँ तक लिखना है, लैख तक, तो पॉइंट बनाएंगे। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैख, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप यहाँ पर लिख भी लीजिए, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैख, कितने लैख, 3,00,000, यहाँ लिख देंगे 3, फिर 11,000, ये दोनों थाउजेंड के हैं, यहाँ लिख देंगे 11, ठीक है। 300, हंड्रेड के नीचे 3, फिर एंड 63, यहाँ लिख देंगे 63, ये नंबर आपका हो गया, काउंट करिए इसको। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैख, 3,00,000, 11,000, 363,
ओके, आपने न्यूमेरल्स को कॉमा लगाकर लिखना सीख लिया है। कौन से सिस्टम में? इंडियन नंबर सिस्टम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राइट द नंबर नेम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरल इन इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम में आपको इन नंबर्स के नेम यहाँ लिख देने हैं। तो देखिए इसको काउंट करेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, टेन लैख, फोर्टीन लैख, नाइन, क्योंकि बाकी सब क्या है, ज़ीरो हैं, तो इसको नहीं पढ़ा जाएगा। ये नंबर क्या लिखा है, 14,09,000। ओके, इसको पढ़ते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, टेन लैख, कितने लैख, 24,00,000, 32,835। नेक्स्ट देखिए, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, 4,05,000। ओके, नेक्स्ट देखिए, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, 10,00,000, 49,63,085। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, 8,43,972। नेक्स्ट देखिए, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, 10,00,000, 97,03,000। नेक्स्ट देखिए, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, 8,97,810। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, 10,00,000, 30,30,072। तो आपने नंबरों को इंडियन नंबर सिस्टम में लिखना सीख लिया है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स इन यूरोपियन सिस्टम। आपको इसे यूरोपियन सिस्टम में लिखना है। यूरोपियन सिस्टम कैसे लिखते हैं, अभी आपको बताया गया था। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन, 5,000,000, 716,146। नेक्स्ट, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन, 10,000,000, 65,000,000, 637,413। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन, 10,000,000, 55,000,000, 64,877। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन, 10,000,000, 100,000,000, 303,000,000, 405,978। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन, 10,000,000, 100,000,000, 263,000,000, 220,464। तो आपने इन नंबरों को यूरोपियन नंबर सिस्टम में लिखना भी सीख लिया है। अब नेक्स्ट